दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें एक पिता ही अपनी बेटी के साथ 24 साल तक उसे टॉर्चर करके उसके साथ संबंध बनाता रहा था। और जब यह राज सबके सामने आया तो सब लोग दंग रह गए। कहानी के शुरू होते ही एक परिवार रात का खाना खा रहा होता है, जिसमें जॉन, लिया और उनकी दो बेटियां नूरा और एमा शामिल होती हैं। नूरा अपने पिता से पार्टी में जाने का पूछती है तो जॉन उसे मना कर देता है और डांट कर कमरे में भगा देता है। लेकिन रात होते ही इसका एक दोस्त सैम उसे लेने आता है और वो खिड़की से कूद कर बाइक पर बैठ कर उसके साथ पार्टी में चली जाती है, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ सारी रात एंजॉय करती है। और जब वो सुबह घर आती है तो इसके बारे में उसके पिता को पता चल जाता है, तो इन दोनों में कहा सुनी हो जाती है। और जब एमा अपनी माँ और बहन के साथ बातें कर रही होती है, जिसमें एमा कहती है कि वो 3 महीने बाद 18 साल की होने वाली है, इसके बाद वो घर छोड़कर अपने दोस्त के साथ चली जाएगी। लेकिन एमा का पिता ये सारी बातें सुन लेता है। 3 महीने बाद जब एमा 18 साल की होने वाली होती है, तो एक दिन एमा और उसके पिता घर पर अकेले होते हैं और तब जॉन एमा को उसकी मदद करने के लिए कहता है, तो एमा जॉन की मदद करती है। जब ये सामान लेकर नीचे बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तो वहां एक सीक्रेट दरवाजा होता है। एमा के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि ये एक शेल्टर रूम है और जहां लोग आपातकालीन स्थिति में शरण लेते थे। तो इसके दौरान जॉन मौका देखकर एमा को अंदर छोड़कर उस सीक्रेट दरवाजे को बंद कर देता है। इस कमरे में एमा के चिल्लाने की आवाज बाहर नहीं जाती और एमा को कुछ समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जॉन जब ऊपर आता है तो एमा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका एक सीक्रेट कोड होता है। बार बार गलत कोड भरने की वजह से यहाँ की लाइट भी चली जाती है। इसके बाद एमा अपने साथ लाए हुए बॉक्स को खोलती है तो उसमें उसकी जरूरत का सामान होता है। और वहीं दूसरी ओर जब एमा काफी देर तक घर वापस नहीं आती है तो वहां उसकी माँ और बहन परेशान हो रहे होते हैं और उसके सभी दोस्तों को फोन करते हैं। जब एक दो दिन के बाद भी एमा का कुछ पता नहीं चलता है तो वो पुलिस को बुलाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं। लेकिन ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं तो फिर जॉन नीचे एमा के पास जाता है और अंदर जाते ही एमा जॉन पर हमला करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन ने बाहर का दरवाजा बंद रखा होता है। इसी वजह से जॉन को एमा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पकड़कर दोबारा उसी रूम में ले जाता है और फिर उसे मारने के बाद उसके साथ वो रेप करता है। अब ऐसे में कई दिन बीत जाने के बाद एमा का दोस्त सैम भी उसे ढूंढने घर पर आता है, जहां पर उसके पिता उससे कहते हैं कि वो अपने बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है और फ्लोरिडा में खुश है। अब एमा को उस बेसमेंट में बंद किए हुए 21 दिन बीत जाते हैं। उसका जन्मदिन आ जाता है, जिस पर उसके पिता उसके लिए केक और कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं। वो उसका बर्थडे मनाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो उसकी सारी बातें मानती रहेगी तो उसे जल्द ही यहां से बाहर निकाल देंगे। तो अभी एमा को गिफ्ट में लाई हुई बोल्ड रेड ड्रेस पहनने को कहते हैं और जब एमा वो पहनकर उनके सामने आती है तो फिर दोबारा वो उसके साथ संबंध बनाता है। तो अब एमा के कहने पर वो उसके लिए एक टीवी, घड़ी और कुछ किताबें ले आता है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब सारा एक दिन खाना खा रही होती है तो वो उसी कैन के ढक्कन से एक हथियार बना लेती है और जब जॉन आता है तो वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बच जाता है। जॉन उसे पकड़कर बहुत मारता है। धीरे धीरे एमा को यहां पर 1 साल बीत जाता है। वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और बहुत जल्द ही वो एक लड़की को जन्म दे देती है, जिसका नाम वो मैरी रखती है। एमा और मैरी को यहाँ 4 साल बीत जाते हैं। उसके बाद दोबारा एमा माँ बनने वाली होती है, जिस पर वो जॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है, पर जॉन उसे मना कर देता है। इस बार एमा एक लड़के को जन्म देती है और इस तरह एमा और उसके दो बच्चों को बेसमेंट में ही 7 साल गुजर जाते हैं। और वहीं एमा की माँ भी बाहर बैठकर उसका इंतजार करती रहती है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को ढूंढना चाहती है। इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। एमा की मॉम वहां से चली जाती है और उसके पीछे ही जॉन भी चला जाता है, लेकिन वो अपनी बेसमेंट की चाबी वहीं पर भूल जाता है, जिस पर एमा की बहन की नजर पड़ जाती है और उसे शक होता है। इसीलिए वो चाबी उठाकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है और छानबीन करने लगती है, लेकिन तभी उसका पिता वहां पर आ जाता है और वो उसे डांट कर भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ अब एमा तीसरे बेटे को भी जन्म देने वाली होती है और इस बार वो फिर से एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन जॉन के आने पर वो उसे कहती है कि एक और बच्चे को संभालना उसके लिए मुश्किल है और वो नहीं चाहती है कि वो भी इस अंधेरे में ही बड़ा हो। इसलिए वो इस बच्चे को उसकी माँ को पालने के लिए देते। इसके बाद
जॉन एमा से एक लेटर लिखवाता है और वो उस लेटर के साथ इस बच्चे को घर के बाहर रख देता है। जब एमा की माँ दरवाजा खोलती है तो उसे वो बच्चा मिल जाता है जिसके साथ एक चिट्ठी होती है जिसमें जॉन ने एमा से लिखवाया होता है कि ये मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं इस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती, इसलिए माँ तुम इस बच्चे का ख्याल रखना। ये देखकर सारा खुश हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। लेकिन एमा ने अपनी मदद के लिए टोकरी में बच्चे के नीचे एक और चिट्ठी लिखकर रखी होती है जो कि उसकी माँ की बजाय जॉन को मिल जाती है। तो ऐसे में जॉन एमा पर फिर से गुस्सा करता है और धीरे धीरे समय गुजारता है। एमा को बेसमेंट में ही 14 साल बीत जाते हैं। अब उसके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और जब उसकी बेटी मेकअप करके जॉन के सामने आती है तो वो उसकी तारीफ करता है, लेकिन उसकी गंदी नजर एमा की बेटी पर पड़ चुकी है। इसके बारे में एमा को अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो अपनी बेटी को जॉन से दूर कर देती है। तो ऐसे इन सभी को बेसमेंट में 17 साल गुजर जाते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जब एमा अपनी बेटी के साथ बैठी होती है तो वहां छत पर से पानी टपकना शुरू हो जाता है। एमा वहां से सीमेंट हटाकर एक छेद बना लेती है जिसके ऊपर गार्डन का रास्ता होता है और जब रात हो जाती है तो उस छेद से टॉर्च बाहर निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन वहां से गुजर रहे एक आदमी की नजर इस पर पड़ जाती है। पर जब वो घर की बेल बजाता है तो एमा की किस्मत फिर से धोखा दे देती है क्योंकि वो दरवाजा जॉन ही खोलता है। वो आदमी जॉन को बताता है कि तुम्हारी बेसमेंट में कोई लाइट चमक रही है और तब जॉन बेसमेंट जाकर एमा को बहुत मारता है जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो उस समय भी प्रेग्नेंट होती है जिसकी वजह से वो मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। अगले दिन जब जॉन नीचे आता है तो बच्चे जॉन से पूछते हैं कि वो कब यहां से बाहर जा सकेंगे, तो वो कहता है कि तुम यहां अपनी माँ की बुरे बिहेवियर की वजह से बंद हो, जब वो अच्छा बिहेव करना सीख जाएगी तभी मैं तुम्हें यहां से छोड़ दूंगा। अब जॉन के जाने के बाद दोनों बच्चे अपनी माँ से लड़ने लगते हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों को सारा सच बताती है। वो बताती है कि जिसने हमें कैद करके रखा है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा पिता है, और ये सब सुनकर वो बच्चे डर जाते हैं। इसीलिए एमा अपने बच्चों को हौसला देती है कि वो जल्द ही उन्हें यहां से आजाद करवा देगी। और जब जॉन नीचे आता है तो एमा का बेटा उस पर अटैक कर देता है जिससे उसको पता चल जाता है कि एमा ने ही उन्हें सब कुछ बता दिया है। जॉन वहां से चला जाता है और एक दिन जॉन को पता चलता है कि उसकी जॉब जा चुकी है। इसके बाद घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं, उसकी सारी सेविंग्स भी खत्म हो जाती है। जॉन के ऊपर बैंक का लोन होता है, इसी वजह से उसे घर खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है। इसलिए वो एमा और उसके बच्चों को बेसमेंट में मारने के लिए वो अपनी गाड़ी के धुएं को बेसमेंट में छोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन एमा का छोटा बेटा वहां पर आ जाता है जिसके कारण उसका ये प्लान फेल हो जाता है। अब एमा को यहाँ 20 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अस्थमा की वजह से एमा की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और जॉन के आने पर एमा उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता है। लेकिन जब एमा की बेटी बेहोश होने लगती है तो एमा को कहता है कि तुम्हारा बेटा यहीं पर रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। जब एमा अपनी बेटी को उठाकर बाहर निकलती है, उसने आज कई सालों बाद बाहर की दुनिया को देखा है, और जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर तुरंत मैरी का इलाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैरी की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से डॉक्टर जॉन और एमा से एक फॉर्म पर साइन करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉन एमा को डॉक्टर से कोई भी बात नहीं करने देता है, इसीलिए एमा जानबूझकर फॉर्म पर पानी गिरा देती है। जब जॉन नया फॉर्म लेने के लिए जाता है तो एमा भागकर डॉक्टर के गले लग जाती है और उससे मदद मांगती है। वहां पर एक पुलिस कर्मचारी भी मौजूद होता है। जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है और वहीं एमा की बेटी की भी जान बच जाती है और उसके बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाला जाता है। अब जॉन का सच सारी दुनिया के सामने आ जाता है। इन सभी ने बेसमेंट में ही 24 साल बिताए थे। जब एमा अपनी माँ से मिलती है तो उसे अपनी बेटी की ऐसी हालत का बहुत दुख होता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसके पति ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया है। इसके बाद जॉन को जेल भेज दिया जाता है और इन सभी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाती है। और दोस्तों, ये सच्ची कहानी पर बनाई गई ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।